हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो पूरे वीडियो का एंट्री जरूर देखिएगा दोस्तों, ये दो सम सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, और पहले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में यह दिया है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम यहां पर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और एक क्यूब को ज्वाइंट कर दिया गया है, और यहां पर क्यूबॉइड फॉर्म हो गया है, और आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। लेकिन दोस्तों दिमाग में यह आता है कि सरफेस एरिया दिया है तो क्या आपको LA से निकालना है या TA से निकालना है? तो यहां पर बता दूं दोस्तों, आपको यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब TSA निकालना है। लेकिन TSA के लिए साइड भी जरूरत होगा, ये साइड यहां पर दिया नहीं है। अब बोलोगे डायग्राम में दिया है। दोस्तों डायग्राम में NCERT टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं दिया है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊं मैं। तो देखो, दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है, राइट? तो यहां पर आपको साइड मिलना बहुत जरूरी है। तो साइड कैसे मिलेगा? तो ये जो वॉल्यूम दिया है ना, इस वॉल्यूम से आपको साइड मिलेगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां पर जो दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एल क्यूब होता है। तो यहां पर 64 लिख दिया मैंने। अब एल क्यूब दिया है, क्यूब उधर जाएगा, क्या बनेगा? क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहां पर दोस्तों एल यहां पर रहा, और यहां पर क्यूब रूट के अंदर 64 आ जाएगा। जैसे दोस्तों आप क्यूब रूट निकालोगे 64 का, आपको मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों 4 सेंटीमीटर आपका क्या आया दोस्तों? यहां पर साइड मिल गया, लेंथ मिल गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्यूब को एक से एक को जोड़ोगे तो क्यूबॉइड फॉर्म होगा। तो यहां पर आपको दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, ये 4, ठीक है, और ये 4 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 8 बन जाएगा, राइट? और ये आपका हाइट बनेगा 4, और आपका ब्रेथ जो है वो भी आपका 4 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं जो जो मुझे अभी मिल गया है। यहां पर दोस्तों आपका लेंथ क्या होगा? आपका लेंथ 8 होगा। अब बोलोगे सर ये भी लेंथ है? अरे दोस्तों ये तो क्यूब का है, मैं क्यूबॉइड का एल लिख रहा हूं यहां पर, क्लियर हो गया? तो यहां पर 8 सेंटीमीटर, और यहां पर बी क्या होगा दोस्तों? 4 सेंटीमीटर, और यहां पर एच क्या होगा दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको बताया था मैंने, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 लिखोगे यहां पर, LB प्लस BH प्लस HL, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, देखिए L कितना? 8 है। तो यहां पर 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई B क्या है यहां पर? 4, प्लस यहां पर B क्या है दोस्तों? 4 है। हाइट क्या है दोस्तों यहां पर? 4, प्लस H क्या है दोस्तों यहां पर? आपका 4 है, तो 4 लिखा मैंने। L क्या है दोस्तों? 8, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दोगे यहां पर क्या हो रहा है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, 8 4 32 लिख दिया मैंने यहां पर, 4 4 16 लिख लिया मैंने, 8 4 32। अब दोस्तों यहां क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 32 और 32 कितना होगा? 64 होगा। 64 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों? आपका 70 होगा। 70 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों? आपका 80 होगा। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 80 होगा, तो यहां पर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। यहां पर क्यूब मत करना, क्योंकि यहां पर आपने TSA निकाला, टोटल सरफेस एरिया। तो आपका आंसर दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक्चुअल समझ में आ गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है, देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। अभी हॉलो मतलब क्या दोस्तों? खोखला, मतलब अंदर कुछ भी नहीं दिया है, राइट? तो यहां पर आप देखोगे तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर, यहां पर आप देखोगे तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर दोस्तों एक सिलेंडर रख दिया है, सिलेंडर रख दिया है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या बोला गया वो सुन लीजिए। यहां बोला है डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायामीटर आपका 14 सेंटीमीटर दिया है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस कितना होगा? 7 होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका 7 में लिख के लेके आया, यहां पर 7 है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखोगे कि टोटल हाइट ऑफ ए वेसल इज 13। टोटल हाइट मतलब ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक कितना है दोस्तों? आपका 13 है,
ठीक है। अब पूरा 13 है, तो ये अगर आपका हेमिस्फीयर जो है ये अगर 7 होगा तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो आप 13 से 7 को माइनस कर दीजिए, आपको यहां पर 6 मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहां बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो एक काम कीजिए दोस्तों, जो बोला गया है उसे हम यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, हाँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। अब कैसे फाइंड करोगे, तो यहां पर क्या करोगे दोस्तों, सी एस ए ऑफ सिलेंडर लिखोगे, यहां पर यहां लिखोगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फिर दोस्तों सरफेस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख दिया मैंने। अब सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला होगा 2πRh होगा। अब सरफेस एरिया हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होगा, 2πR² होगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 यहां पर लिखा मैंने, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया, रेडियस दोस्तों क्या है, दोस्तों यहां पर दिया है 7 दिया है, हाइट क्या है दोस्तों, सिलेंडर के हाइट यहां पर 6 दिया है, तो यहां पर 6 लिखोगे, यहां पर 2 × 22/7, और दोस्तों रेडियस क्या दिया हेमिस्फीयर का, 7 × 7। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन निकालते हैं, अगर आपको कैंसिल करना कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद कॉमन निकाल लो तो भी चलेगा। तो यहां पर दोस्तों 7 और 7 कैंसिल कर लिया, यहां पर 7 और 7 कैंसिल कर लिया, अब बचा क्या है दोस्तों, यहां पर 2, यहां पर 22, यहां पर 2, यहां पर 22, कॉमन निकाल लीजिए यहां पर, तो 2 × 22। अब ये दोस्तों 2 और 22 कॉमन निकल गया है, तो बचा कितना है 6 है, तो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 2 और 22 बाहर निकल गया है, तो बचा कितना 7, तो यहां पर 7 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए 2 × 22 × 6+7 यहां पर 13 होगा। अब दोस्तों ट्रिक सिखा रहा हूं, देखिए बहुत ही गजब का ट्रिक है, पहले आप 13 × 2 = 26 कर लीजिए, तो 26 × 22 हो गया। जब भी 22, 33, 44, 55 ऐसे नंबर दिया जाए आपको, तो वो ट्रिक फॉलो करना है। क्या ट्रिक फॉलो करोगे, देखिए ये 26 है, ठीक है, ये 22 है, तो आप क्या करोगे, एक 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 को, तो 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 5, 52 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो नंबर आएगा 52, आप एक नंबर छोड़ के सेम टू सेम नंबर कॉपी कर दोगे, यहां पर 2, यहां पर 7, यहां पर 5, और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, तो यहां पर आएगा दोस्तों आपका 572 cm², ये हो गया आपका आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा ये ट्रिक कैसे फॉलो हुआ, तो देखिए आपको बता दो दोस्तों, ये 11 का ट्रिक है। आपने सबसे पहले क्या किया, यहां पर 22 था, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पर 26 × 2 × 11, अगर 22 का स्प्लिट कर दूंगा तो मैं, तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो आपको यहां पर 52 मिला। अब 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल करना क्या होता है, जो यहां पर 52 आएगा उसे आपको ऐसे लिखना है, एक छोड़ दीजिए और यहां पर लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत काम आएगा दोस्तों इस पूरे चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, और ये जो सम सिखाया मैंने ये भी आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।